नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आने वाले 22 तारीख से गुप्त नवरात्रि आने वाली है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग कोई ना कोई साधनाएं कर रहे हैं साथ बैठकर, साथ मिलकर। इस बार नवरात्रि में जैसा मैंने पोस्ट भी डाला था कि हम रुद्रकाली की साधना करेंगे, लेकिन जो साधना हम करेंगे वो थोड़ा अलग होगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काली की पूजा करते कैसे हैं ये उनको नहीं पता है, काली को पूजने का विधान क्या है ये उनको नहीं पता है, ये नहीं पता है कि काली किस वस्तु से प्रसन्न होती है, किस वस्तु से अप्रसन्न होती है, भगवती काली को कब क्या चढ़ाना चाहिए, पहले क्या चढ़ता है, बाद में क्या चढ़ता है। तो इस बार जो साधना होगा उस साधना में बिल्कुल ABC से हम लोग शुरू करेंगे कि भगवती काली की पूजा कैसे की जाती है। एक बार आप पूजा विधान सीख लेंगे उसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो विशेष मंत्र है वो मंत्र की साधना 9 दिन में कैसे करते हैं। ये 2 चरण में होगा, एक सुबह की पूजा आप करेंगे उसका पूर्ण विधान दूंगा, उसका मंत्र दूंगा, और फिर एक रात में तांत्रिक मंत्र की आप लोग साधना करेंगे। तो सुबह सात्विक विधान से और रात में तांत्रिक विधान से आप लोग साधना करेंगे। पिछले जो कुछ ग्रुप आए उसमें ऐसी बात आई सामने कि बहुत कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो मेरे साथ क्या है कि मैं साधकों के बीच उठता बैठता हूँ या साधना अपने शिष्यों को बताता हूँ, तो मेरा मनोभाव ये रहता है कि जो साधना क्षेत्र में लोग हैं वो अगर किसी चीज़ की तरफ मैं इंकित करूँ तो वो बात समझ जाते हैं। लेकिन पिछले 5-6 साधना ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया और साथ में साधना किया उसमें ये समझ में आया कि बहुत लोग रॉ हैं और उन लोगों को विशेष ध्यान या फिर स्पून फीडिंग की भी ज़रूरत है। तो स्टेप 1 तो स्पून फीडिंग का ये है कि हम आपको पूजा विधान से शुरू करके आगे का साधना इस नवरात्रि में कराएंगे। दूसरा, हर बार व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित रहता था हमारा साधना का विधान, मैं उस पर आप लोगों को मंत्र दे देता था और उसके बाद आप लोग मुझसे अपने डाउट्स पूछते थे या अगर कुछ त्रुटि हुई या कुछ विशेष ऐसा हुआ तो आप मुझे बताते थे। इस बार पूरा विधान बदल जाएगा क्योंकि इस बार जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा उसमें मैं वीडियोज़ भी डालूँगा। जैसे अगर आप भगवती काली की पूजा की बात करें तो भगवती को वस्त्र कैसे चढ़ता है ये लिख के नहीं बताया जा सकता है, वो एक मुद्रा होता है जिससे कि वस्त्र चढ़ता है। भगवती को भोजन देना हो, भगवती को दीपक दिखाना हो, तो उन सब चीज़ों को मैं वीडियो के माध्यम से इस बार आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा जो यंत्र बनता है, हर बार यंत्र में पढ़ के यंत्र बनाना आप लोगों के लिए संभव नहीं होता है, तो इस बार मैं आप लोगों को यंत्र भी बनाना सिखाऊंगा और यंत्र का पूजा कैसे करते हैं ये भी इसमें सिखाऊंगा। ठीक है, इस साधना में इस बार आवश्यकता क्या क्या चीज़ों की होगी? तो पूर्ण विधान है तो इसमें आप लोगों को कलश स्थापना से लेकर के भगवती के 9 दिन में 9 जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे 9 दिन का वस्त्र आपके पास होना चाहिए, जो खरीदने वाला सामग्री है वो बता रहा हूँ मैं, 9 दिन का वस्त्र आपके पास होना चाहिए, 9 दिन के लिए पुष्प आपके पास होना चाहिए, ठीक है, 9 दिन के लिए गंध आपके पास होना चाहिए, 9 दिन के लिए अखंड दीपक आपके पास होना चाहिए, 9 दिन के लिए अगरबत्ती आपके पास होनी चाहिए और रोज देवी के स्नान में दूध, दही, अगरू,
गुलाब जल, गंगा जल, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। इसके अलावा आरती की जो सामग्री है वो रात में जो तांत्रिक पूजा होगी उसके लिए चावल, चौमुखी दिया, 3 अगरबत्ती और नवेद, इन सब चीज़ों का उपयोग करना है। एक अलग से दिया आप लोगों को रखना है जो सिर्फ साधना काल में जलेगा और उसके बाद उसको दिन भर नहीं रखना है, लेकिन एक दिया आप लोगों को अखंड रखना है। इतनी व्यवस्था अगर आप कर सकते हैं तो आप इस ग्रुप में जुड़े, ठीक है। तो मूल मूल रूप से दो अलग अलग साधनाएं होंगी। एक तो सुबह की सात्विक साधनाएं जिसमें आप सीखोगे कि नवरात्रि में भगवती काली की पूजा कैसे करते हैं, और दूसरी वो साधना जिसमें कि आपको रात का मंत्र दिया जाएगा और रात में कैसे कैसे पूजा करना है वो बताया जाएगा। इन दोनों साधनाओं का जैसे हम लोग अभी एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी कि 501 रुपये आपको दक्षिणा देना होगा और उससे ये साधना हम लोग साथ मिलकर करेंगे। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। इस बार वीडियोस भी उसमें शेयर होंगे, ऑडियोस भी शेयर होंगे, और क्योंकि 22 तारीख से है तो कोशिश ये करना है कि 17 तारीख से पहले सारा एनरोलमेंट हो जाए। 17 तारीख के बाद क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा हो रहा है कि हम साधना शुरू कर देते हैं, अंतिम दिन लोग आने लगते हैं, अंतिम दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इस बार उसको नहीं करना है। इस बार हम लोग सब पहले ही एनरोल हो जाएंगे और सब कुछ को क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो सारा विषय क्लियर हो गया। इस बार 22 जून से हम साथ साधना करेंगे। सुबह और रात्रि दोनों पहर में साधना होगी। सुबह में सात्विक साधना होगी जिसमें मैं सिखाऊंगा कि माँ भगवती देवी काली की पूजा कैसे करते हैं, उसके लिए जितनी भी पूजा सामग्री है सारी लगेगी। और रात्रि में मैं आप लोगों को एक तांत्रिक साधना करवाऊंगा जो कि साबर होगा, और ये दोनों जो है हैंड इन ग्लव साधना है, मतलब एक करेंगे तभी दूसरे का फल मिलेगा, दूसरा करेंगे तभी पहले का फल मिलेगा, ठीक है। तो ये इस बार का साधना रहा, और शुल्क वही जो हर साधना का रहता है 501। आप लोग इसको पेटीएम कर सकते हैं या फिर गूगल पे कर सकते हैं, जैसे भी करना हो आपको कर देंगे, करके मुझे सूचित करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड करता जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, जिसका नंबर है 9431188585। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप डायरेक्ट भी मुझसे बात कर सकते हैं। वेबसाइट हमारा बदल रहा है, पहले aghortantrahasya.xyz था, अब aghortantrahasya.com हो जाएगा, उसको आने में समय है। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आप सभी पे कृपा बरसाए रखे, सुरक्षित रखे, धन धान्य से पर्याप्त रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।